कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीन कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएं।